नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन रमेश कलाल, लीवर स्पेशलिस्ट एंड लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन। मैं सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में एज अ कंसल्टेंट एंड चीफ ऑफ हेपेटोलॉजी काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को लीवर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत या कलेजा बोलते हैं, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये शरीर का दो नंबर का सबसे बड़ा अंग है, जो शरीर में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्रोटीन्स बनाना, जो हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करना, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, सारी जो टॉक्सिन्स है शरीर में से उसको निकालना, इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन्स बनाना, ऐसी बहुत सारे कम से कम नहीं तो 500 से भी अधिक कार्य लीवर और कलेजा अपने शरीर में करता है। तो हमें हर संभवतः वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम इस महत्वपूर्ण ऑर्गन को अच्छे से अच्छा रख सके। क्या कारणों से लीवर खराब होता है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब भी हम लीवर के बारे में बात करते हैं, पहला चीज़ हमारे माइंड में आता है या हमारे ध्यान में आता है कि लीवर मतलब ये शराबी है, ये ड्रिंक कर रहा है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं जिसकी वजह से भी लीवर ख़राब होता है, ना कि सिर्फ शराब पीने के कारण ही। तो क्या क्या कारणों की वजह से लीवर ख़राब हो सकता है? जैसे कि हमने अभी जस्ट बात की, शराब, यस्ट, फिर दूसरे जो कारण हैं, शरीर में मोटापा, स्थूलता, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, उच्च रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और चर्बी या खराब कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स, इनकी वजह से भी लीवर ख़राब होता है। तीसरा कारण वायरसेस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और बहुत सारे और वायरसेस हैं जिनकी वजह से लीवर को नुकसान हो सकता है। चौथी कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यून मीन्स प्रतिकार क्षमता, मतलब खुद की प्रतिकार क्षमता, खुद के अगेंस्ट काम करना। और बहुत सारी अन्य कारणों से भी लीवर ख़राब हो सकता है, जैसे जेनेटिक कारण या फिर दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर्स मिलते हैं, इवन सिंपली जो पैरासीटामोल हम लेते हैं उससे भी अगर अधिक मात्रा में उसका सेवन किया जाए तो भी लीवर ख़राब हो सकता है। बाकी के कुछ अदर और अन्य कारणों में से है जेनेटिक फैक्टर्स और कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स, कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस, जैसे विल्सन्स डिसीज़। ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में स्पेशली लीवर में ज़्यादा कॉपर जमा होके वो लीवर को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इन सब कारणों से लीवर को खराबी या नुकसान हो सकता है। और अभी के जो सिनेरियो है और अभी की जो आप ट्रेंड देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान लीवर को पहुंचाता है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मैंने आपको बताया, मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की वजह से लीवर को फ़िलहाल ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ठीक है, और ये सब इसके लिए हो रहा है क्योंकि हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, हम बैठे बिठाए काम कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेलने की बजाय हम इंडोर मोबाइल पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, हम ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं और इसकी वजह से लीवर में चर्बी की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई चर्बी की मात्रा को लीवर में हम नॉर्मली कहते हैं फैटी लीवर। नॉर्मली लीवर में 5%
फैट होता है, अगर इसकी मात्रा 5% से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको फैटी लीवर कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये फैट लीवर के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और फिर लीवर में सूजन आना शुरू हो जाती है। तो फैट, उसके बाद फिर फैट, सूजन, और अल्टीमेटली ये सूजन लीवर को ख़राब करके, नुकसान करके लीवर में स्कारिंग बनाती है, उसको हम बोलते हैं सिरोसिस या फाइब्रोसिस। सो अगर आप स्टेजेस देखेंगे तो एक एंड पे सिर्फ फैट है, चर्बी है, बीच में है चर्बी और सूजन, और अल्टीमेटली चर्बी सूजन मिलके लीवर ख़राब होके लीवर कड़क हो जाता है, सिरोटिक हो जाता है या फाइब्रोस्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से शरीर में काफ़ी नुकसान हो चलता है। और अगर समय रहते जिस भी कारणों की वजह से ये नुकसान हुआ है उसको अगर हम टैकल नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, तो ये आगे बढ़ता जाता है और लीवर ख़राब होने के बहुत से चीज़ें दिखाई पड़ती है, जैसे पेट में पानी हो जाना जिसको जलोदर कहते हैं, पीलिया हो जाना, पैरों में सूजन आना, गफलत में जाना, बहकी बहकी बातें करना, खून की उल्टी होना, ये सारे एडवांस लीवर ख़राब होने के लक्षण हैं। लक्षण से बात आई तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि लीवर ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो लीवर ख़राब होने के कोई स्पेसिफिक लक्षण या कारण होते नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई लक्षण नहीं होते हैं, और जिनमें लक्षण होते हैं वो लक्षण भी कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। नॉन स्पेसिफिक लक्षण जैसे जी मचलाना, उल्टी होना, पेट के राइट साइड में दर्द होना, पेन होना, वज़न कम होना, एनर्जी नहीं रहना, ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स या लक्षण हमको देख सकते हैं। हम इनको कैसे जांच सकते हैं और लीवर ये जो कंडीशंस है इनको हम कैसे डायग्नोज या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने अभी कहा कि लक्षण की कमी के कारण जब कोई दूसरी चीज़ के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं या कुछ वायरसेस के टेस्ट होते हैं तो ये लीवर कंडीशंस पकड़ में आती हैं, या फिर किसी और कारणों के लिए पेट की जांच की जाए जैसे सोनोग्राफी हुआ, सीटी स्कैन हुआ या फिर एमआरआई हुआ, तो उसमें भी ये चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं। डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट में अगर कारण पता चलता है, कारण को ट्रीट करेंगे तो बीमारी को वही रोका जा सकता है कुछ हद तक, पर अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और एंड स्टेज तक पहुंच गई है तो अगर हम कारणों को ट्रीट करते हैं और तो भी शायद बीमारी से पूरी तरह से हम इजाद पा नहीं सकते। तो जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ख़राब होने से पहले जहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं तो रिकवरी के चांसेस पॉसिबल है। तो ट्रीटमेंट में जो भी कारण है अगर उसको हम ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस है जैसे बी और सी, अगर उनको हम दवाई देते हैं, यू नो एंटीवायरल जिसे हम बोलते हैं, वो अगर ट्रीट करते हैं तो उससे फ़ायदा हो सकता है। जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैंने बताया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अगर इनको हम कंट्रोल करते हैं तो भी हम लीवर डिजीज़ होने से या उसको फैलने से रोक सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डेली एक्सरसाइज करके, हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करके, वज़न कम करके, और जैसे ऑटोइम्यून कंडीशंस अगर कारण हैं तो इम्यूनोसप्रेशंस दवाइयाँ लेके हम बीमारी को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, अगर लेट डायग्नोस किया तो उसको रोक सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर बहुत ही ज़्यादा लीवर ख़राब हुआ है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन, यस, यकृत प्रत्यारोपण उसका एक 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, ये भी एक ट्रीटमेंट है। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या बचाया जा सकता है? तो बचने के लिए हेपेटाइटिस वायरसेस है जैसे बी वायरस है, ए वायरस है, इसके अगर हम वैक्सीन्स ले सकते हैं, हम कंटेमिनेटेड ब्लड
और टैटूइंग से दूर रह सकते हैं, अच्छा खाना, हाइजीनिक खाना हम खा सकते हैं, रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल हम लीड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें लीवर की बीमारियों से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों से या वेबसाइट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिव लाइफ, लव योर लीवर। नो लीवर, नो लाइफ। थैंक यू।